पठानकोट की जीआईटी जांच पर पाकिस्तान का पहला आधिकारिक बयान, कहा भारत ने चश्मदीद सुरक्षा अफसरों से नहीं करने थी पूछताछ, लेकिन हमले को भारत का ड्रामा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान मीडिया की खबर पर साधी चुप्पी। आतंकियों को लेकर पंजाब में अलर्ट, दिल्ली स्पेशल सेल की सूचना पर पंजाब पुलिस सजग, 3 आतंकियों की आधुनिक हथियार और सुसाइड बेल्ट के साथ दाखिल होने की खबर। पंजाब में हाई अलर्ट के बाद नवा शहर में सुरक्षा बढ़ाई गई, पूरे जिले की नाकाबंदी कर दी गई, जिसके चलते शहर के बस स्टैंड समेत सभी जगहों पर गाड़ियों और बसों को चेक किया जा रहा है। लुधियाना में डीजीपी ने पंजाब में आतंकियों के घुसने को लेकर दिए गए अलर्ट पर कहा कि ये अलर्ट पंजाब समेत दूसरे राज्यों को भी आया है और पूरे पंजाब को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पूरे प्रदेश में चेकिंग की जा रही है। उन्होंने धार्मिक स्थानों में सुरक्षा को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब नहीं दिया। अमृतसर में आज एसजीपीसी की सिख बुद्धिजीवियों के साथ विदेशों में सिखों पर हो रहे नस्लभेदी हमलों के मुद्दे को लेकर बैठक, अवतार सिंह मक्कड़ एसजीपीसी अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। सिंचाई की परेशानी पर नींद से जागी पंजाब सरकार, गांव में बनाया जाएगा तालाब, प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए रखा है 100 करोड़ का बजट। पंजाब के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वीके सिंह ने चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी दी, बताया कि चुनाव आयोग पोलिंग स्टेशनों की जांच और वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर काम शुरू कर चुका है और साथ ही पोलिंग बूथ पर ड्यूटी देने वाले स्टाफ को ट्रेंड करना है और उन्होंने ये भी बताया कि इस बार ईवीएम के साथ नई मशीन जोड़ी जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने अपने विधानसभा हलके मुक्तसर के करीब 1 दर्जन गांवों में संगत दर्शन किया, एसवाईएल को लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री बादल ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो पार्टी पंजाब के पानी को लेकर पंजाब के साथ नहीं, वो पंजाब का भला क्या करेगी। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के कृषि मंत्री तोता सिंह ने यहां पर दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल पर दिल्ली ने हरियाणा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया, जिसमें कहा गया है कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री केजरीवाल पंजाब आए थे तब उन्होंने पंजाब की बात की थी, लेकिन जब दिल्ली गए तो हरियाणा की बात करने लगे। पंजाब में शिक्षा को लेकर सियासत हो रही है और नेता प्रतिपक्ष रणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब सरकार पर प्रदेश के शिक्षा के स्तर को गिराने का आरोप लगाया। चन्नी ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी का हवाला दिया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री दलजीत चीमा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि स्कूलों में बच्चों के हिसाब से टीचर हैं। साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रदेश में साइंस की शिक्षा को लेकर सवाल उठाए, जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि साइंस के अलावा बच्चे दूसरी शिक्षाओं या फिर शाखाओं पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। मोहाली में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि लोगों ने पंजाब के कई अहम मामलों पर सुझाव दिए हैं, जिन्हें मैनिफेस्टो यानी कि चुनावी घोषणा पत्र में कमेटी के पास पहुंचाया जाएगा और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो लोगों की राय से बनेगा। कहा कि उन्होंने कि ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को एक रहने का सुझाव दिया है। साथ ही कैप्टन ने कहा कि उम्मीदवारों के टिकट बंटवारे में देरी नहीं होनी चाहिए। रोपड़ में कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और चुनाव जीतने और संगठन को मजबूत करने के लिए सुझाव दिए। कैप्टन ने कहा कि वो चुनावों के लिए तैयार हैं और उनकी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ स्मॉल हाइड्रो की बैठक की, जिसमें कई राज्यों के प्रतिनिधि पहुंचे और इस मीटिंग में पंजाब के ऊर्जा मंत्री विक्रम मजीठिया ने भी शिरकत की। इस दौरान मजीठिया ने कहा कि पंजाब की मुख्य मांग भाखड़ा मेन लाइन की है, वहां से 70 मेगावाट का उत्पादन होता है और ऐसे में ये जहां जहां से निकलती है वहां के राज्यों को इस पर हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने दिए जाए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 4 दिन पहले फतेहगढ़ साहिब से नमा पंजाब जो मार्च है उसके नाम से एक पैदल मार्च निकाली थी और ये यात्रा करीब 320 किलोमीटर पैदल चलकर फिरोजपुर पहुंची, जहां पर हुसैनीवाला बॉर्डर पर पहुंचकर सबसे पहले शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। फिर पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह और सांसद भगवंत मान ने नौजवानों को नशे से दूर रहने की अपील की और कहा कि एक नया पंजाब बनाए जो आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं बन सकता। रैली में
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा जून तक कर दी जाएगी और मुख्यमंत्री की सीट के लिए भी पंजाब से ही उम्मीदवार होगा जिसका नाम आने वाले दिनों में तय किया जाएगा। पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह एसवाईएल के सवाल पर बचते हुए नजर आए। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ई बैग योजना को लागू करने जा रहा है। स्टूडेंट्स को अब ऑनलाइन बुक्स पढ़ने के लिए पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध करवाई जाएंगी ये किताबें, जिसके लिए सरकारी स्कूलों के सभी स्टूडेंट्स पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने अपने सिलेबस की बुक्स पढ़ सकेंगे। ये वेबसाइट जो है वो इस तरीके से www.peb.ac.in। पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने नामधारी समुदाय के मुख्यालय भैणी साहिब में गुरु माता चंद कौर हत्याकांड की जांच के लिए वारदात स्थल का दौरा किया और भैणी साहिब में प्रबंधकों के साथ बातचीत की। इस दौरान डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने नामधारी समुदाय के गद्दी नशीन सख्त गुरु उदय सिंह से भी मुलाकात की और करीब आधा घंटा उनसे बातचीत हुई। डीजीपी ने कहा कि सही बात पुलिस जाँच के बाद ही सामने आएगी। पंजाब के मानसा जिले में किसानों की खुदकुशी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 महीने में 55 किसानों ने खुदकुशी की है। प्रशासन का दावा है कि उसने खुदकुशी कर चुके किसानों को मुआवजा दिया है, लेकिन ये हकीकत से कोसों दूर है। मानसा के ठुठिया वाली गांव के 67 साल के धर्मपाल के बेटे मिठू राम ने महज 66,000 रुपए के कर्ज के चलते 2011 में खुदकुशी की थी। 66,000 रुपए का कर्ज बढ़कर अब 2,00,000 रुपए हो चुका है और बैंक ने जमीन की कुर्की का नोटिस थमा दिया है। धर्मपाल अब अपने परिवार के लालन पालन के लिए सब्जी बेचने का काम करते हैं। मिठू राम के 2 बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी अब 67 साल के धर्मपाल के कंधों पर है। दिल्ली में चांदनी चौक में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के छबील वाली जगह और फुटपाथ को तोड़े जाने की कार्रवाई के विरोध में डीएससीएमसी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। डीएससीएमसी ने कहा कि ये कार्रवाई बिना नोटिस के हुई है। विजिलेंस ब्यूरो बठिंडा ने फरीदकोट के डीटीओ विजय सियाल, एजेंट बाज सिंह, संदीप कुमार और डेटा एंट्री ऑपरेटर राकेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है और इन चारों पर गलत रजिस्ट्रेशन करने, पैसे लेकर लाइसेंस बनाने, फर्जी दस्तावेज बनाने और नियमों के उलट काम करने का आरोप लगाया और इस मामले में डीएसपी विजिलेंस हरजिंदर सिंह जांच कर रहे हैं। इस मामले में अब तक 2 लोग गिरफ्तार हुए जबकि डीटीओ विजय सियाल और एजेंट राकेश कुमार फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। पंजाब रोडवेज के जनरल मैनेजर हरजिंदर सिंह मिन्हास पर गंभीर आरोप लगे हैं। जनरल मैनेजर पर आरोप है कि उन्होंने एक शख्स को 2 दिन तक बंधक बनाए रखा। जीएम पर यह आरोप पीड़ित के भाई रेहान ने लगाया। रेहान के मुताबिक उसका भाई फरहान लापता हुआ तो उसने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में गुहार लगाई, जिस पर हाईकोर्ट ने वारंट अधिकारी को मौके पर भेजा जहां पंजाब रोडवेज डिपो के कमरे से पुलिस की मौजूदगी में फरहान को जंजीरों से बंधा हुआ पाया। उस वक्त फरहान जख्मी हालत में था। अमृतसर में HDFC की ब्रांच में बुधवार करीब दोपहर 3:50 पर 4 लुटेरों ने धावा बोला और 2,04,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। लुटेरों ने पहले गार्ड की राइफल छीनी और फिर कैश काउंटर से कैश लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने इस बारे में केस दर्ज किया और कार्रवाई में जुट गई है। इस बार एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना में गेहूं की आमद ना के बराबर शुरू हुई है और इसकी वजह से इस बार मौसम में आया बदलाव इसकी वजह बताया जा रहा है। दरअसल खराब मौसम की वजह से फसल पकने में वक्त लग रहा है और इसके बावजूद रिवायती रूप से खन्ना मंडी में सरकारी खरीद का काम शुरू कर दिया गया। खरीद जो है वो शुरू करवाने के लिए मंडी बोर्ड के चेयरमैन अजमेर सिंह लखवाल खुद पहुंचे। WHO की तरफ से अमृतसर को दुनिया के प्रदूषित शहरों की सूची में 10वें नंबर पर रखा गया। इसी के साथ अब स्वर्ण मंदिर की आभा को हो रहे नुकसान को लेकर SGPC को चिंता सताने लगी है। हालांकि SGPC की तरफ से प्रदूषण की मार को कम करने के लिए परिसर में पौधे लगाए गए हैं और साथ ही इसके लिए SGPC ने गोल्डन टेम्पल तक आने वाले वाहनों पर रोक लगाने और आसपास के होटल से पैदा होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने की मांग की है।